वेलकम टू सोशल। आज हम अपने फेवरेट एक्टर्स को किसी ना किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करते हुए देखते हैं एंड वी आर स्टिल अमेज्ड बाय देयर परफॉर्मेंसेस। फॉर एग्जांपल, लुक हाउ लाइफ हैज बीन फॉर मनोज बाजपेयी। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव राइट नाउ, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पहले बहुत ही स्मॉल और अननोटिसेबल कैरेक्टर्स प्ले किए थे। अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में वो एक ध्रुवकाल नाम की फिल्म में एजेंट का रोल प्ले करते हैं और वो बस कुछ ही सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर आते हैं। सदैव, तुम्हारा नया नाम है आनंद और तुम्हारी नई पहचान का ब्यौरा इस फाइल के अंदर है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन ही विल बी नोन फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ अ सीक्रेट एजेंट इन द फैमिली मैन। सिर्फ एक बार जीतना होता है और हमें हर एक बार। इसी तरह ऐसे बहुत एक्टर्स हैं जो पॉपुलर होने से पहले कई स्मॉल अपीयरेंसेस फिल्म्स में कर चुके हैं, जिनको ऑडियंस ने शायद नोटिस भी नहीं किया हो। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं एक्टर्स के बारे में बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। जनाब के कुछ तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अच्छी लड़की से तुम्हारा मतलब? गाना अच्छा गाती। नंबर 10, विकी कौशल। वी ऑल कैन एग्री कि आज विकी कौशल हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट यंग एक्टर्स में से एक है। उन्होंने अपने 7 ईयर्स के फिल्म करियर में कई इंटरेस्टिंग रोल्स प्ले किए हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली ही हमें सरदार उधम में वो दिखाई दिए एंड हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म इज गेटिंग लव एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम एवरीवन। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। वेल, नो डाउट विकी इज अ ग्रेट एक्टर, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने मसान में डेब्यू करने से पहले एक और फिल्म में एक्टिंग की थी। 2011 में रिलीज हुई फिल्म लव शव द चिकन खुराना में हमने विकी को एक स्पेशल अपीयरेंस में देखा था। इस फिल्म में उन्होंने एक्टर कुणाल रॉय कपूर के यंगर वर्जन का रोल प्ले किया था और इस रोल में भी उनकी एक्टिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। आंटी जी गप ना मारो। चुप कर। आंटी जी ठीक तो कह रही है, सारी क्लास के सामने पूछने की क्या जरूरत थी, भाई अकेले में पूछ लेता। नंबर 9, शरद केलकर। शरद केलकर एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है एंड ही कीप्स प्रूविंग हिज वर्थ टाइम एंड अगेन विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स ही डज। शरद ने हमेशा से ही चैलेंजिंग रोल्स प्ले किए हैं, फ्रॉम एक्टिंग इन फिल्म्स लाइक रामलीला, तानाजी एंड नाउ टू वेब सीरीज लाइक द फैमिली मैन। शरद हैज ऑलवेज मेड श्योर दैट ही गिव्स हिज बेस्ट। यहाँ पर शरद से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बिफोर मेकिंग इट बिग, शरद ने कई फिल्म्स में कई छोटे कैरेक्टर्स प्ले किए थे। इनमें से एक थी 2004 में रिलीज हुई फिल्म हलचल, जहाँ पर वो हमें फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाई देते हैं। ये एक ऐसा रोल है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, बट हियर वी आर टेलिंग यू अबाउट थिंग्स दैट नो वन टॉक्स अबाउट। आप अंदर नहीं आएंगे? मैं अंदर क्यों? कंपनी दीजिए ना। छी 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 छी, तू अंदर जा, चल जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी। कंपनी। नंबर 8, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन ने अपने करियर में कई तरह के रोल्स किए हैं, फ्रॉम बीइंग अ लवर टू अ सुपरहीरो टू इवन अ स्टाइलिश रॉ एजेंट, एंड नो डाउट इन सभी रोल्स में ऋतिक ने कमाल की परफॉर्मेंसेस दी है। बट ऋतिक से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने अपने करियर में कई फेमस केमियोज भी किए हैं, जैसे कि हिज केमियो इन द फिल्म लक बाय चांस। ये तो कोई लॉजिक नहीं है यार सफर, इतनी लॉजिक में जाओगे तो कमर्शियल पिक्चर तो बन ही नहीं सकती है, और मैं तो फिर भी जस्टिफाई कर रहा हूँ। जहाँ ऋतिक के कुछ केमियोस तो सब लोग जानते हैं, पर एक केमियो ऐसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और ये है इन द फिल्म ICU। इस फिल्म में हम ऋतिक को एक छोटी सी स्पेशल अपीयरेंस में देखते हैं इन द सॉन्ग सुबह सुबह। नंबर 7, दर्शन कुमार। थैंक्स टू द OTT रिवोल्यूशन इन इंडिया, दर्शन कुमार जैसे डिजर्विंग एक्टर्स को हम फाइनली वेल रिटन रोल्स में देख पा रहे हैं। फ्रॉम हिज रोल इन द फैमिली मैन टू आश्रम, दर्शन ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया है। आज दर्शन जहां पर पहुंचे हैं उसके लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दर्शन ने अपने डेब्यू एज अ स्पेशल अपीयरेंस किया था इन द फिल्म तेरे नाम। यस, यू हर्ड इट राइट। दर्शन ने फिल्म तेरे नाम में सलमान के दोस्त कनक शर्मा का कैरेक्टर प्ले किया था। Well, today, when you revisit Tere Naam, you can spot Darshan Kumar in a lot of scenes with Salman Khan. Janab ke kuch tevar badle badle nazar aa rahe hain. Achhi ladki se tumhara matlab? Gana achha gaati. Number 6, Karan Johar. करण जौहर आज हिंदी सिनेमा के मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर्स में से एक हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर, वी आल्सो नो कि करण ने कई फिल्म्स में एक्टिंग भी की है। इनमें से एक है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जहां पर वो हमें शाहरुख खान के बेस्ट फ्रेंड के रोल में दिखाई देते हैं। ये एक ऐसा केमियो था जो उस टाइम की ऑडियंस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई थी। नंबर 5, शाहिद कपूर।
एक फिल्म फैमिली से होने के बावजूद शाहिद कपूर ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स किए हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहिद ने फिल्म्स में एक्टिंग करने से पहले एज ए डांसर काफी फिल्म्स में काम किया है। इनमें से ही एक है इन द फिल्म दिल तो पागल है, जहाँ पर वो हमें सॉन्ग ले गई में दिखाई देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो शाहिद आपको एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पीछे डांस करते दिखाई देंगे। इसी तरह ताल में भी उन्होंने एक बैकग्राउंड डांसर का रोल प्ले किया था, वेयर ही कैन बी सीन डांसिंग विद ऐश्वर्या राय। नंबर 4, SRK एंड आमिर। नो डाउट ये हर सिनेफाइल का ड्रीम है टू वॉच बोथ आमिर एंड शाहरुख खान टुगेदर इन अ फिल्म। हम आए दिन कितनी न्यूज पढ़ते हैं वेयर इट्स सेड कि ये दोनों एक्टर्स अलोंग विद सलमान हमें किसी ना किसी फिल्म में एक साथ दिखाई देंगे। वेल वी डोंट नो अबाउट दीज रिपोर्ट्स, बट वी कैन से कि एक फिल्म है जहां पर आमिर और शाहरुख खान हमें पहली बार एक साथ दिखाई दिए थे इन अ स्पेशल अपीयरेंस। 1993 में आई फिल्म पहला नशा में हम शाहरुख खान और आमिर को एक साथ एक सीन में देखते हैं और इस सीन में उनके साथ हमें एक्टर सैफ अली खान भी दिखाई देते हैं। नंबर 3, राधिका आप्टे। राधिका आप्टे इज अ ग्रेट एक्ट्रेस जो हर रोल को परफेक्शन से पुल ऑफ करती है। वेल नो डाउट शी इज अ रिमार्केबल एक्टर विद अ फैंटास्टिक करियरग्राफ, बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो कि राधिका ने अपना डेब्यू फिल्म वहाँ लाइफ हो तो ऐसी से किया था। इस फिल्म में राधिका ने अंजलि नाम का कैरेक्टर प्ले किया था और उस टाइम नो वन थॉट कि आगे चल के राधिका वुड बिकम सच अ बिग स्टार। नंबर 2, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ही इज एन एक्टर जो हर रोल में अपनी एक अलग पर्सनालिटी लेकर आते हैं एंड ही मेक्स एवरी कैरेक्टर मेमोरेबल। वी ऑल नो नवाज आज जहां पर पहुंचे हैं, उनको वहां तक पहुंचने में कितने साल स्ट्रगल करना पड़ा है। इन स्ट्रगल के दिनों में नवाज ने कई फिल्म्स में छोटे मोटे रोल किए थे जो उस टाइम ऑडियंस ने नोटिस नहीं किए थे। इनमें से ही एक था नवाज का रोल इन द फिल्म सरफरोश। नवाज फिल्म के एंड में हमें दिखाई देते हैं एक इंटेरोगेशन सीन में वेयर ही गेट्स बीटन अप। इस छोटे से रोल में भी नवाज ने अपना बेस्ट दिया था एंड व्हेन यू सी द सीन यू कैन सी द डिटरमिनेशन इन हिज आईज। मेरे को सिर्फ इतना मालूम है सारा माल राजस्थान से आता है। सुल्तान कहाँ है? वो तो पाकिस्तान भाग गया था। इस सीन से रिलेटेड एक और ट्रिविया ये है कि 14 इयर्स बाद जब नवाज और आमिर ने एक साथ फिर से फिल्म तलाश में काम किया और नवाज ने उन्हें बताया कि वो उनके साथ सरफरोश में एक सीन कर चुके हैं, देन आमिर वाज शॉक। ही कुडंट रिमेम्बर कि वो नवाज के साथ पहले एक्टिंग कर चुके हैं। जस्ट इमेजिन कि एक को एक्टर तक ने उनके रोल को रिकॉग्नाइज नहीं किया एंड इफ नवाज डिडंट बिकम पॉपुलर टुडे तो शायद उनके बारे में आज किसी को पता भी नहीं होता। मेरे को बिल्कुल पता नहीं, अभी कुछ दिन पहले आज ही सर राजस्थान जाके आया। नंबर 1, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ही इज नोन फॉर सो मेनी फिल्म्स एंड नो डाउट ही इज अ हार्ड वर्किंग एक्टर जो हर साल कई फिल्म्स ऑडियंस के सामने लाते हैं। बट बिफोर ही बिकेम एन एक्टर ही वाज स्ट्रगलिंग टू गेट इवन अ स्मॉल रोल इन अ फिल्म। लेट अस टेल यू कि अक्षय की पहली फिल्म अपीयरेंस कुछ इस तरह की थी, जहां उन्हें कास्ट तो किया गया था पर कभी उनका फेस नहीं दिखाया गया। 1987 की फिल्म आज में वो एक कराटे इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले करते हैं। यू कैन सी हियर कि मेकर्स ने उन्हें एक एक्स्ट्रा की तरह कास्ट किया था और उनका फेस तक नहीं दिखाया गया। दैट इज वाई दिस टॉप्स आर लिस्ट, बिकॉज अक्षय को अपनी फर्स्ट अपीयरेंस में अपना चेहरा भी दिखाने को नहीं मिला। इमेजिन हाउ वुड दैट फील। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताइए कि इन सब में से आपका फेवरेट केमियो कौन सा था। डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इसके अलावा हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाने की भी सोच रहे हैं, सो वी लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स इन इट। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।